दोस्तों, आज जो मैं प्रयोग बताने जा रहा हूँ वो बिच्छू काटे के लिए, और ये प्रयोग मैं कर चुका हूँ और इसका बहुत ही शानदार रिजल्ट भी लिया है। तो एक जड़ी बूटी है जो मैं तोड़ के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इसका पेड़ नज़र आ गया तो सोचा एक वीडियो बना ली जाए। ये जो आप देख रहे हैं पत्तियाँ, भली भांति कैमरे पर देख पाते होंगे, ये इसको अपामार्ग बोला जाता है। अपामार्ग भी बोला जाता है, चिरचिटा भी बोला जाता है, लठ जीरा भी बोला जाता है, ये काफ़ी नामों से जाना जाता है। बहरहाल इसको चिरचिटा नाम से हमारे यहाँ पे जानते हैं और सभी लोग अच्छी तरह से पहचानते भी हैं। मैंने इसका एक प्रयोग करा है और बहुत ही शानदार इसका गजब का रिजल्ट भी मिला है। जब किसी व्यक्ति के बिच्छू काट ले तब ये अपामार्ग की पत्तियों को लेके, ये पत्तियाँ लेनी है और इसको इस तरह से मसलना है खूब, और मसलने के बाद ये अपना रस छोड़ना शुरू कर देगी, मतलब कि लुगदी जैसी हो जाएगी। और जहाँ बिच्छू ने काटा है, मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ बिच्छू ने काट लिया है, तो इसको इस तरह से रगड़ना है, थोड़े ऊपर तक रगड़ सकते हैं, ठीक है। रगड़ने के बाद में उसको आराम मिलना तुरंत शुरू हो जाएगा। ये इतना पावरफुल रिजल्ट है इसका, और मैंने इसका प्रयोग करा था तो मैं तो बड़ा खुशी के मारे ठिकाना नहीं था, क्योंकि इसका रिजल्ट इतना अच्छा था, जिसके बिच्छू ने काटा था उन्होंने इंजेक्शन भी लगवाया था और झाड़ फूक भी कराई थी, लेकिन फिर भी उनको चैन नहीं पड़ा था। मैं एक महिला की बात कर रहा हूँ, यहाँ तक कि वो बहुत पछाड़ खा के रो रही थी। खैर, जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे मौके पे ये नज़र आ गई, मैंने रास्ते से तोड़ ली थी। तोड़ने के बाद मैं ले गया हाथ में ही, रास्ते में मैंने मसल लिया और इसका प्रयोग शुरू करा मैंने, तो इससे बहुत जल्दी उनको अल्लाह ने शिफा दे दी। और आप भी ये प्रयोग करें, इसलिए मैं कैमरे के सामने आके इसके बारे में बता रहा हूँ, बहुत गजब का रिजल्ट है। और दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह फिर कोई नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। और वीडियो जो भी देखे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों के भी काम में आ सके। मैं हकीम रिजवान हुसैन और साथ ही न्यूरोथेरेपिस्ट, बरेली उत्तर प्रदेश से। जय हिंद।